देश के सबसे जाने माने आरजेज में से एक हैं। कितने नॉटी हैं आप। जो हंसाते भी हैं और दिल को छू जाते भी हैं। तू मेरी जुएं देख दे, मैं तेरी जुएं। लोगों को मुर्गा बनाकर समाज को जगाते भी हैं। काश ये आवाज मेरी सब सुन लेते। हर किसी की बोली बोलकर सबको अपनाते भी हैं। गांव से लेकर शहर तक, एक सेल्समैन से लेकर आरजे तक, आरजे नावेद की जिंदगी का सफर। सबसे पहले आपके बचपन से बातें शुरू करते हैं। कहाँ जन्म हुआ, कहाँ पले बढ़े, थोड़ा बताइए। उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर एक है, और वहाँ पे भी एक बहुत छोटा सा गांव है, और मेरे गांव का नाम बुगरासी है। तो वहाँ से मेरे वालिद साहब हैं। हालांकि मेरी पैदाइश यहाँ फरीदाबाद हरियाणा में हुई थी। मेरे अब्बू का इकलौता लड़का हूँ मैं, और दो मेरी बहनें, तो जिम्मेदारी मैं बड़ा हूँ घर पे, तो ये भी जिम्मेदारी थी कि उनकी शादी करनी थी बहनों। ऋचा यकीन करिएगा, मैं अब ये क्लियर बता रहा हूँ, मैंने ऐसे ऐसे काम किए, जो कॉल सेंटर था उसमें सिर्फ नाइट शिफ्ट करी मैंने 1.5 साल तक। उसकी वजह पता क्या थी? क्योंकि मैं लड़की बन के कॉल लेता था। बेस्ट पार्ट ये था कि ज़्यादातर लड़के कॉल करते थे रात में, उनको कोई प्लान नहीं लेना होता था, वो सिर्फ मेरा प्लान पूछते थे। तो जैसे कॉल आई तो लड़के ऐसे ही कॉल करते थे कि हेलो, हाय। तो मेरी हंसी इतनी मशहूर हो गई थी, मैं आपको अभी बताती हूँ, आप 2 मिनट लाइन पे रहिए। उसके बाद कहने के बाद बस वो लाइन पे आ जाता था सीधा, तुम कौन हो? माय नेम इज शीतल। कई लोग कहते थे हंस के दिखा दो, फिर मैं कितने नॉटी हैं आप। मैंने बाकायदा इस तरह का कॉल सेंटर वो किया 2.5 साल, फिर मैं बूढ़ा भी बन जाता था, क्योंकि मैं मॉर्निंग करता हूँ। तो खूबसूरती है उस वक्त की कि मैं, मेरे प्रोड्यूसर और सिर्फ एक गार्ड साहब होते हैं, तो जो भी गार्ड साहब होते हैं मैं उनसे बात करता हूँ तकरीबन 20-25 मिनट तक रोज। वो बिहार के होते हैं, कभी झारखंड के होते हैं, तो उनसे बात करने में सब भूल जाता हूँ। मैंने कहा भाड़ में गई यार परेशानी, ये इंसान प्यारा है यार, इससे बातें करो, वो ऐसी ऐसी मजे की बातें बता रहा है। तो मैं पूछता था जैसे आपके जमाने में कैसे रेडियो होता था, अब मेरे मुँह पे कह रहे थे। एक गार्ड साहब ने कहा था एक बात बताएं आपको, बुरा तो नहीं मानेंगे? मैंने कहा नहीं, एक ढेले का रेडियो नहीं करते हैं आप। मैंने कहा अच्छा, एक दे क्या बकवास कर रहे हैं, इनको बोलिए बंद करें। हमारे जमाने का होता तो रेडियो मन्ना डे गा रहे हैं तो मन्ना डे गा रहे हैं। तो उस टाइम पे मुझे बुरा भी लगता है, ऐसा कलेजे से लगा लूं यार, कितना अपनापन है इसमें कि बिल्कुल साफ कह दिया इसने। तो आप एकदम असली जिंदगी से इतने कनेक्टेड रहते हैं, लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, ताकि वही चीज रेडियो पर निकल कर आए। मुझे कभी कभी लगता है कि अगर आपको बहुत ऊपर जाना है ना, कोशिश करिए पहले जितना नीचे जा सके। आपके प्रैंक्स की एक खास बात जो लोगों से जो फीडबैक मिलता है, एक तो ये कि कुछ जगहों पर प्रैंक्स बहुत वल्गर हो जाते हैं, जो कि लोग कहते हैं कि नावेद के नहीं होते, फैमिली के साथ सुन सकते हैं, और दूसरा अब आपने जो हाल में मुझे लगता है ज्यादा शुरू किया है कि प्रैंक्स के जरिए आप एक सोशल मैसेज भी देने की कोशिश कर रहे हैं, ये दो चीजें ये हो गई या हमेशा सोचा कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए कॉन्टेंट वल्गर नहीं होना चाहिए? वल्गैरिटी तो मेरी समझ में नहीं आता, लोग वल्गैरिटी को ह्यूमर क्यों समझते हैं, ये मतलब मैं नहीं समझ पाया। मिसाल के तौर पे अगर कोई, ऐसा नहीं है कि मेरे बिल्कुल साफ सुथरे प्रैंक्स हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि उसमें बीप्स लगी हुई होती हैं, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर कोई 1 मिनट का कॉन्वर्सेशन है और मैं सब पे बीप 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 लगा दूँ तो नहीं आएगी उसमें हंसी। बहुत साल पहले दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, और उस वक्त मैं रेडियो कर रहा था, और उस वक्त भी रोज 7:30 बजे मुर्गा जाया करता था प्रैंक कॉल, जो कि बहुत फनी हुआ करता था 2005 में। अब ये चैलेंज था कि उस वक्त खासतौर से इंतजार करते हैं लोग मुर्गे का, तो मैंने ये सोचा कि इसका फायदा उठाता हूँ, क्योंकि सब लोग जुड़े हुए होंगे उस वक्त, ट्यून इन करके रखेंगे कि 7:30 बज गए मुर्गा आ गया, तो मैं क्यों ना फायदा उठा लूं वक्त का। उसी वक्त मैंने एक मैसेज देना चाहा, और मुर्गे के ही अंदाज में, मिसाल के तौर पे ब्लड डोनेशन के लिए, कि अगर किसी को खून चाहिए तो आप उसकी मदद कर दें जाके। तो मुझे लगता है कि कहने का तरीका रचा होना चाहिए, घुमा फिरा के अगर बताया जाए, और उनकी वो होता है ना रग पकड़ लो उनकी। किसी का कहा हुआ मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, खासतौर से यंगस्टर्स को, जिनको ये लगता है कि हर चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है। तो शाहरुख खान की एक फिल्म है ओम शांति ओम, उसका एक डायलॉग है कि किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। ये मैं मानता ही नहीं, किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो बेटे सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, कुछ कर भी लिया कर, ऐसी नहीं बैठी कायनात हो चाह रहे इनको दे दो, तो कायनात को भी खुश करना है तो आपको मेहनत करनी होगी, अपने आप को रगड़ना होगा, तो जाके कायनात मेहरबान होगी आपको और वो चीज़ मिलेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेहनत करें, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करिए, और आप जैसे लोग करेंगे तो पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे। इंशाल्लाह मैं जब यहाँ आ सकता हूँ आपके लिए तो आसमान पड़ा है।